कृषि की दृष्टि में प्रिय गाय रीढ़ की हड्डी है और भारत गौ सेवा कर न सका इसलिए हो गया पिसठी। भारतीय देसी नस्ल में 37 जाते हैं। अभी हम सुन रहे थे, हम आपकी बात उठाएंगे, आप चिंता मत करिए कि जो दर्द आपको है अभी हम सबकी बात सुन रहे थे। ये अन्ना छुट्टा गोवंश की जो बात है वो आपकी बात हम रखेंगे, इसलिए हम खड़े हुए हैं। और दुर्भाग्य ये है कि समय बाद में मिला हमें, न जिलाधिकारी महोदय से माननीय सांसद जी थे, विधायक जी के सामने हमको समय मिलना चाहिए था। आज हम बात बताते जिस पर माननीय योगी जी ने ये जो संविधान बनाया है जिला स्तरीय गौरक्षण समिति के लिए, तो ये जो बनाया है के लिए बताते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, यदि हमारी गाय कृषि की रीढ़ की हड्डी है, यदि गाय माता नहीं होगी देसी गौ माता। हमें तो बड़ी हंसी आई कि जर्सी गाय पर इनाम दिया गया और 14 लीटर वाली साहीवाल गाय मेरे पास है, उसका निरीक्षण किया गया था। हमें इसका कोई फीलिंग नहीं जो कि हमें कोई सत्कार या सम्मान हमें पुरस्कार नहीं मिला, हम उसकी फीलिंग नहीं करते हैं। बताते हैं 14 लीटर से ऊपर वाली कोई भी साहीवाल गाय देसी गाय भारत में होगी नहीं। मैं लिख के तांबे के पत्र में दे सकता हूँ, वो संकर जात की गाय होगी और संकर जात की गाय को सम्मान दिया जा रहा है तो देश का कल्याण कैसे होगा। मैं बताना चाहता हूँ जो भारत देश की 37 जातियां देसी हैं वो हम किसानों को रखनी पड़ेगी, दूध के साथ साथ गौमूत्र गोबर का उपयोग करना पड़ेगा। ये हमने गाय के मूत्र से पेस्टिसाइड बनाया है, जो तुमने यूरिया डीएपी और जहरीले आपने केमिकल डाले हुए हैं जिससे आप डॉक्टर के शरण में जा रहे हैं, वो चाकू लेकर तुम्हारा पेट चीर रहा है। दस्तमा, दमा, अस्थमा, यूरिक एसिड, तमाम तरह की भयानक कैंसर, टीबी इत्यादि रोग हो रहे हैं, वहां जा रहे हो आपको चाकू से चीर रहा है, आपके पैसे लूट रहा है। आप होश में आ जाइए, आप जो किसान देवता थे तो आप देवता बनिए। इसमें 10 लीटर गोमूत्र में 200 ग्राम धतूरा की पत्ती, 200 ग्राम मदार की पत्ती, 200 ग्राम बासा की पत्ती, 200 ग्राम नीम की पत्ती, ये और 200 ग्राम गुड़, 200 ग्राम अदरक डाल करके इसको 45 दिन तक इसको छिरका की तरह उठा लीजिए और छान करके सीसी में भरिए। ये 1 लीटर 5 बिस्वा के लिए है, इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाएगा। स्प्रे करिए, ना कोई आपका जानवर खाएगा आपकी फसल को और ना ही आपको यूरिया डीएपी का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं दावा करता हूं और मैं ये आज मैं अपने डीडी साहब जिला कृषि अधिकारी को समर्पित करूंगा कि इसकी टेस्टिंग कराइए, इसका प्रैक्टिकल करा करके इसका प्रशिक्षण दिया जाए, तब ये जैविक खेती होगी। और छुट्टा गौवंश की व्यवस्था जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर अगर नहीं होगी तो आपकी कोई भी योजना सफल होने वाली नहीं है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। और दूसरी विधि है 10 लीटर गौमूत्र को छान करके आसन विधि से 1.5 लीटर अर्क निकालिए। यदि आप दमा, अस्थमा और किसी भी पेट रोग, गुर्दा रोग, किडनी रोग, पथरी रोग, किसी रोग से आप जो है पीड़ित हैं तो आपको 16 सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें मिलेंगे जिससे सारी चीजें, सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे। 1.5 लीटर आसन विधि से इसको निकालिए और उसकी जो बचा हुआ शेष भाग है ठोस द्रव्य उसको आप गोबर में मिलाइए और गोबर में मिला करके जैविक जीवामृत बनाने बनाना है आपको। उसमें भी पूरा लिखा हुआ है, समय कम है इसलिए हमारा स्टॉल लगा है, स्टॉल पर जाइए, पूरी पूरी बात वहां से लिखिए सुनिए। और इसका इसी अर्थ से, ये तो बिना ब्याई बसिया का अर्थ है और जो हम बाकी गौवंश का मूत्र इकट्ठा करके उसका अर्थ निकालेंगे उससे हम फिनाइल बनाते हैं, ये उसके अर्थ से फिनाइल तैयार किए। ये भी हमने पिछले डीएम साहब को दिया था और अपने डीडी साहब को दिया था, इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। अब बात आ गई कि फिनाइल की पोछा लगाने में जरूरत क्या है। गाय के मूत्र में वो क्षमता होती है जो धतूरा और कुचिला बिलामा जैसे जहर को शुद्ध करने का काम गाय का मूत्र करती है। 18 पोषक तत्व होते हैं उसमें,
तो हमारे घर में पता नहीं कितने प्रकार के जहरीले मक्खी मच्छर आ जाते हैं, उनके वायरस फैल जाते हैं। इसलिए ऋषियों की पद्धति थी कि मकान को गोबर से, गाय के घी गोबर से लीपने की प्रक्रिया थी। अब मकान पक्के हैं तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए ये फिनाइल तैयार की गई। उस वायरस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए फिनाइल को तैयार किया गया है। ये लोग पानी से फिनाइल तैयार करते हैं, हमने गौमूत्र से फिनाइल तैयार की है। इसी तरह से हमने ये धूप बत्ती और तमाम तरह के 38 प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं, वो सारे स्टॉल पर लगे हुए हैं। डीडी साहब ने हमसे कल परसों कहा, मैंने कहा सर मैं आऊंगा। वैसे हमारे यहाँ 4 प्रशिक्षण होते हैं मात्र, जन्माष्टमी, गोपाष्टमी और अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी। निःशुल्क प्रशिक्षण होता है, कोई पैसा नहीं लगता है, खाना फ्री और आपका आने जाने का शुल्क आपको लगेगा, आपको रहना खाना सारा होता है, 5 दिन का प्रशिक्षण होता है, निःशुल्क मिलता है। इस स्टॉल पर हमारा नंबर है, आप वहां ले लीजिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल गाय जो है दूध पर मत पालिए, उसके पंचगव का उपयोग करके गाय को पालेंगे तो आपकी कृषि फलीभूत होगी, आपको यूरिया डीएपी और तमाम केमिकलों से निजात मिलेगी। तो मैं ज्यादा न बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा मोहित तिवारी से कि ये सर्वप्रथम डीडी साहब को एक फिनाइल और एक